प्रतीक्षा भानप्रिय। रोहित तिवारी हाई प्रोफाइल हत्याकांड में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। इंदौर में रहने वाले अपूर्वा तिवारी के परिवार के लोगों के जो बयान सामने आए हैं, उनसे ये भी पता चला है कि रोहित तिवारी किस तरह का व्यक्ति था। अपूर्वा तिवारी के परिजनों का कहना है कि रोहित सुबह से ही शराब पीने लगता था और कुमकुम से वो शराब की बोतल और सिगरेट बुलवाता। इसके बाद जब भी अपूर्वा उसे रोकती तो कहता कि तुम भी शराब पी लो, तनाव दूर हो जाएगा, नींद भी आ जाएगी। उसके बाद अपूर्वा जब कमरे से चली जाती तो कुमकुम रोहित के साथ बैठकर शराब पीती थी। अपूर्वा तिवारी के परिवारजनों का ये भी कहना है कि दोनों के बीच शादी के बाद से ही तनाव शुरू हो गया था। ऐसा कोई दिन नहीं रह जाता जब वो अपनी छोटी बहन अपर्णा से बात नहीं करती। कई बार वो अपनी आप बीती बताते बताते रो पड़ती। सासू उज्ज्वला की प्रताड़ना, रोहित की मारपीट उसके साथ आए दिन होती थी। अपूर्वा के बारे में यह भी बताया गया कि वह ज्योतिषियों के संपर्क में थी और ज्योतिषियों ने उसे रोहित से तलाक लेने की सलाह भी दी थी। इसी बीच इतना बड़ा हत्याकांड हो गया। अपूर्वा की मां का यह भी कहना है कि रोहित का भाई सिद्धार्थ होमो है और एक बार डिफेंस कॉलोनी के बंगले में दो युवक आए थे जो सिद्धार्थ के कमरे में थे। वो तीनों आपत्तिजनक हालत में थे। दरवाजा खुला हुआ था तो अपूर्वा ने देख लिया और फिर इसकी सूचना अपूर्वा ने रोहित को दी, तब रोहित ने सिद्धार्थ को डांटा भी था। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।